नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आपके सामने एक एक्वा ग्रैंड का आरओ वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, ये बॉक्स है, लेकिन ये पूरा असेंबल्ड आरओ वाटर प्यूरीफायर नहीं है। आपको लोगे का ये पूरी मशीन है, सब उसमें फिल्टर्स लगे हुए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये खाली बॉक्स परचेस करके लाया हूँ, पूरा मतलब बॉडी इसलिए परचेस करके लाया हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि उसकी असेंबली कैसी होती है और उसकी असेंबली में आपको स्टेप बाय स्टेप बता। तो उसके 5-6 पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब 5-6 पार्ट्स में आपको मैं बताऊंगा। एक ही वीडियो में मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद भी बोर हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से टोटल डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आरओ असेंबल किए जाते हैं। तो ये सैंपल के लिए मैं एक उसकी बॉडी लाया हूँ, एक्वा ग्रैंड की है। तो उसको मैं देखिए अभी खोलता हूँ। पूरी नई बॉडी है, ये देखिए, ये उसके ऊपर का थर्माकोल साइड में रखता हूँ और इसके अंदर है, अंदर है एक्वा ग्रैंड का ये बॉडी देखिए, और इसके बीच में कुछ नहीं है। इसको इसके अंदर रखता हूँ, साइड में कर देता हूँ। तो ये देखिए ये बॉडी, तो इस तरह से कुछ ये बॉडी आपको नज़दीक से दिखाऊंगा मैं। इसके जो स्टिकर्स है, ये लगाने वाले स्टिकर्स, इधर हम लगाते हैं, इस कांच को लगाएंगे इधर। पहले तो मैं इसको ये लगा के ही रखा है, कोई बात नहीं। इसका ऊपर तो देखिए इस तरह से बॉडी है, इधर नल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। पीछे से देखते हैं आप तो इस तरह से देखिए, और पिछली वाली साइड ये देखिए, इधर दो हैंगिंग स्लॉट होते हैं, और इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये होल, ये देखिए ये होल जो है, ये होल आपको असेंबली के लिए क्लैंप्स लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बॉडी है, इस तरह से ये खाली बॉडी है। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, इसके अंदर के जो स्टिकर है, ये आप जब नई बॉडी परचेस करते हैं असेंबली के लिए तो इस तरह से ही होती है बॉडी, इसके अंदर कुछ लगा हुआ नहीं होता है। ऊपर की साइड इस तरह से खोलनी पड़ेगी, थोड़ा नया है बॉडी इसलिए स्क्रू भी थोड़े टाइट लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो फिल्टर होते हैं एक्वा ग्रैंड टाइप के, चाहे एक्वा नेक्स्ट हो, एक्वा ग्रैंड हो, एक्वा ग्रैंड स्मार्ट हो, या एक्वा का कौन सा हो, जो अपने ब्रांडेड आरओ है, ल्यूप्योर, केंट, एवोस्मिथ और एलजी का हो गया, वर्लपूल का हो गया, तो इस तरह के जो ल्यूप्योर का हो गया, इस तरह के जो आरओ है, ये इनकी स्टैंडर्ड असेंबली होती है या कंपनी से ही असेंबली होकर आता है। लेकिन जो दूसरे आरओ होते हैं, तो इस तरह के जो आरओ होते हैं इनको असेंबल करना पड़ता है, इनकी बॉडी मिलती है इस तरह से और इनको करना पड़ता है असेंबल। तो आप ये देखिए स्टिकर्स है, ये जो स्टिकर्स है ये आपको लगाने पड़ते हैं। ये जो लंबा वाला है ये आपको इधर टंकी के फेस में लगाना पड़ेगा, इधर इधर लगाएंगे, इसको रखते हैं साइड में। और ये जो बाकी स्टिकर है इसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ये असेंबल करते वक्त लगाना पड़ता है। तो ये बॉडी थोड़ी नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो ये देखिए वो ओवरऑल उसकी, ये नीचे वाली टंकी की साइड है ये, और ये जो बेस है ये देखिए, ये बेस में क्या होगा, इधर बूस्टर पंप लगेगा आपका, किधर, इधर आपका बूस्टर पंप लगेगा, यहाँ 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 और यहाँ ये बूस्टर पंप लगेगा। इधर आपका फ्लोट स्विच लगेगा, यानी कि वो टंकी भरने के बाद आपकी पूरा सिस्टम आपका बंद कर सके। इधर SMPS लगेगा, SMPS को फिट करने के लिए इधर दो होल दिए हुए हैं, और यहाँ से पानी अंदर जाएगा, मतलब प्योर पाइप यहाँ से अंदर जाएगी। और दूसरी बात, इधर इधर आपका TDS रजिस्टर लगेगा, इधर एक और इधर एक, और इधर एक और इधर एक, ये चार क्लैंप लगेगी, किधर देखिए, इधर एक लगेगी, इधर एक लगेगी, इधर एक लगेगी, इधर एक लगेगी, मतलब चार क्लैंप्स लगेगी। और यहाँ से और यहाँ से ये दो जो होल हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें से उस टोटल असेंबली को केबल टाई की मदद से फिट करना है,
इस साइड में आपका एसवी लगेगा, ये देखिए इधर इस साइड में एसवी लगेगा, और ये जो आपको दो होल दिख रहे हैं इधर इन और इधर आउट, मतलब रिजेक्ट वाटर और इन वाटर, ये दोनों के स्लॉट है। तो इस तरह से कुछ बॉडी का ओवरऑल फंक्शन है, मतलब असेंबली फंक्शन है। और पीछे देखा जाए तो ये देखिए इधर क्या है कि इधर आप इंस्टॉल करते वक्त, मतलब आप आरओ जब हैंग करेंगे इंस्टॉलेशन के वक्त, तो उधर हैंगिंग के लिए ये दो स्लॉट दिए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ असेंबली से पहले आपकी आरओ वाटर प्यूरीफायर की बॉडी होती है या स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर आपको टोटल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ कि असेंबल से पहले बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कहाँ पे क्या इंस्टॉल करना है आपको, किस तरह से इंस्टॉल करना है। सीधी भाषा में इधर बूस्टर पंप लगेगा, इधर आपका फ्लोट स्विच लगेगा, इधर एसवी लगेगा, इधर चार क्लैंप्स लगेंगे इस साइड में, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन सेडिमेंट फिल्टर मिनरल्स और यूवी बैरल सब कुछ इधर लगेगा, इधर टीडीएस एडजस्टर लगेगा, और इस साइड में इनलेट और आउटलेट के दो स्लॉट दिए हुए, और यहाँ से प्योर वाटर अंदर जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल कुछ स्ट्रक्चर है। तो दूसरे पार्ट में अभी ये हो गया पहला पार्ट वीडियो का, अगर दूसरे आने वाली वीडियो में मैं आपको बूस्टर पंप इंस्टॉल करके, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक स्पेयर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं टोटल जो फिल्टर्स है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, मतलब आपको पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं असेंबली की दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।